टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए टाइप मेनू से कर सकते हैं। जल्दी फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल पैलेट से भी कर सकते हैं। टाइप मेनू कमांड्स ही इसमें रहते हैं। कंट्रोल पैलेट में ये सेलेक्ट रहे तो कैरेक्टर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ये सेलेक्ट रहे तो पैराग्राफ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करें तो या अप्लाई बटन क्लिक करने से चेंजेस अप्लाई हो जाता है। इस फॉन्ट ड्रॉपडाउन मेनू से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इससे फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। बोल्ड बटन क्लिक करें तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इटालिक बटन क्लिक करने से टेक्स्ट थोड़ा बेंड हो जाता है। अंडरलाइन को क्लिक करने से टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाता है, इसको रिवर्स कहते हैं। यह अप्लाई करने से टेक्स्ट वाइट कलर में चेंज हो जाता है। डार्क बैकग्राउंड्स के ऊपर दिखाने के लिए रिवर्स कलर में रख सकते हैं। फिर से रिवर्स बटन को क्लिक करने से नॉर्मल कलर आ जाता है। स्ट्राइक थ्रू से टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाता है। स्मॉल कैप्स को क्लिक करने से लोअर केस लेटर्स स्मॉल कैपिटल्स लेटर्स जैसा चेंज हो जाता है। ऑल कैप्स को क्लिक करने से टेक्स्ट पूरा कैपिटल लेटर्स में बदल जाता है। सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करने से टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। सबस्क्रिप्ट क्लिक करने से टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट हो जाता है। इसको लीडिंग कहते हैं। ये लाइंस के बीच में स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं। इसको ट्रैकिंग कहते हैं। ये लेटर्स के बीच में स्पेस को एडजस्ट करते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। इसे टेक्स्ट को एक्सपैंड या कंडेंस कर सकते हैं। इसको कर्निंग कहते हैं। इससे लेटर्स के बीच का स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी ट्रैकिंग जैसा काम करता है।
इसको बेस लाइन शिफ्ट कहते हैं। इससे कैरेक्टर्स को बेस लाइन्स के ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। इसको क्लिक करने से पैराग्राफ प्रॉपर्टीज आता है। इसमें पैराग्राफ स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। बुक्स, मैगजीन्स जैसा बनाते समय ये यूज़ करना अच्छा है। इसको अप्लाई करने से उस स्टाइल का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को अप्लाई हो जाता है। इसको अलाइनमेंट बटन्स कहते हैं। ये पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करता है। ये राइट अलाइन करता है। ये सेंटर अलाइन करता है। ये जस्टिफाई अलाइन है। वर्ड्स के बीच में स्पेस को एडजस्ट करके लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल बनाते हैं। ये फोर शुड जस्टिफाई है। ये जस्टिफाई जैसा ही काम करता है, मगर ये वर्ड्स के बीच में या लेटर्स के बीच में स्पेस को एडजस्ट करके टेक्स्ट ब्लॉक अंत तक एडजस्ट करता है। इसे पैराग्राफ इंडेंटेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट करते हैं। ये पैराग्राफ पहला लाइन का आगे स्पेस को इंडेंट करता है। इसको लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। ये पैराग्राफ का लेफ्ट साइड स्पेस को इंडेंट करता है। इसको राइट इंडेंट कहते हैं। ये पैराग्राफ का राइट साइड स्पेस को इंडेंट करते हैं। इसमें पैराग्राफ के पहले जितना स्पेस चाहिए उतना दे सकते हैं। इसमें पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस चाहिए उतना दे सकते हैं। सेलेक्ट किया टेक्स्ट को कलर पैलेट से कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।